आज फाइनली संडे है और संडे के दिन हम लोग करते हैं संडे क्यू एन ए। और ये पोस्ट मैंने डाला था कि इसमें मुझे पूछो भाई लोग, आप लोग किस हिसाब का पूछोगे, और भाई ऐसे हिसाब के लोगों ने पूछा है। ये देखो भाई, ऐसा कोई पूछता है क्या, मतलब बताओ यार। चलो बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे तरह से, बहुत ही अच्छे मीनिंगफुल और बहुत ज्यादा नॉटी वाले। तो चलो यार सभी का हम लोग आंसर्स देंगे और आप लोग को मजा भी आएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। कितने जीबी रैम में खेलते हो, फोन से मोबाइल में खेलते हो, और आप कहाँ से हो? ये भाई पूछ रहे हैं मैं कितने जीबी रैम में खेलता हूँ। तो मेरा फोन का रैम है 8 जीबी, मेरा फोन है ROG, और उसके बाद मैं कहाँ से हूँ। भाई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना था भाई, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्वेश्चन, आप स्कूल में किस लेवल पे थे, जैसे कि गैंगस्टर, बच्चा, टॉपर, बैक बेंचर, जो सबसे डरता हो? भाई सबसे पहले मैंने मना किया था यार कि पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। मैंने ये पोस्ट डाला था, इसमें मैंने लिखा भी है कि कम्युनिटी से, फ्री फायर से, चैनल से या कंट्री से पूछो, लेकिन नहीं हिमांशु भाई का पर्सनल घुस के लेंगे, मतलब बताओ यार कितने ज्यादा नॉटी है। बट ठीक है चलो भाई लोग हम इसका आंसर दे भी देते हैं। तो यार मैं स्कूल में कैसे हिसाब का लड़का था, ये भाई वैसा पूछना चाहते हैं। तो भाई देखो, एक होता है गैंगस्टर, एक होता है पढ़ने वाले टॉपर्स। तो भाई मैं ये दोनों में से किसी में भी नहीं था, मैं था बैक बेंचर। और बैक बेंचर में भी ऐसे जो ये गैंगस्टर में से भी ना हो और ये टॉपर में से भी ना हो, तो हम लोग एवरेज स्टूडेंट्स थे और वो सभी का मैं लीडर था। एज अ मैं बीच में बैठा करता था, मेरे अगल बगल सभी लोग लड़के लोग आके बैठते थे और मुझे बोलते थे हिमांशु भाई डेली स्कूल आया करो। तो मतलब मैं सभी को हंसाता भी था, मजे भी करते थे और बहुत मस्ती करते थे एज अ बैक बेंचर। तो हाँ, ना मैं गैंगस्टर था, ना मैं टॉपर था, एवरेज था और हंसी मजाक करने वाला लड़का था। भाई मेरा भी क्वेश्चन ले लो प्लीज, आपने इतने सारे वॉइस कैसे निकालते हो? ओ बाय द वे, लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, दिल दिल, लव यू टू मेरे भाई यार। और मैं ऐसे वॉइस कहाँ से निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ, तो भाई ये मेरा आदत हो चुका है। और स्टार्टिंग में मैं निकालता था कि क्या रहते हो रहा, कैसे हो रहा, क्या कर रहे हो। तो यार ये सब जो मैं करता हूँ वो अब मेरा आदत बन चुका है और आप लोगों को पसंद भी आती है, तो मैं करते करते और हो गया यार। बाकी आप लोग का प्यार है और क्या। मैं नहीं मानता। Why your channel getting down? भाई देखो चैनल डाउन होने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहले यार अगर मैं बताऊँ ना, तो जब से फ्री फायर बैन हुआ है तब से यार व्यूज तो नहीं आ रहे, किसी यूट्यूबर्स के भी नहीं आ रहे, सभी का यही हाल है। बट मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ा हुआ था, मेरे चैनल पर हैक भी हुआ था, मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में डालना छोड़ भी दिया था, बहुत कुछ हुआ था। उस वजह से यार व्यूज कम हो चुके हैं और आप लोगों को लगता है कि हिमांशु भाई का चैनल डाउन हो चुका है, तो सही लगता है यार। तो ये सब भी कारण थे और हो सकता है यार ये सब कारण में से कुछ चीजें बैठ गई हो जिस वजह से चैनल डाउन हो चुका है मेरे भाई। ठीक है समरिया। आपने अपना गिल्ड कब क्रिएट किया था, इट्स गिल्ड का पहले बंदा कौन था, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। यार ये होता है क्वेश्चंस, मैंने जो बोला था जैसे बोला था इस भाई ने वैसे ही पूछा है। तो देखो मेरे गिल्ड मैंने कब क्रिएट किया था, मैंने जब भी कब क्रिएट किया तो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 2019 में किया था। और मेरा गिल्ड का सबसे पहला बंदा था मेरा छोटा भाई रितेश, तो उसके साथ मैंने ये गिल्ड क्रिएट किया था। और मैंने जब चैनल पे मैंने अपना चैनल बनाया था यूट्यूब पर, तो मैंने फुकरे गेमर्स लिखा था, तो मैंने वही सोच करके गिल्ड का भी नाम रखा था, ताकि मेरे ये ऊपर में जैसे हिमांशु आप देखते हो ना ऊपर में, यहाँ हिमांशु के साथ फुकरे गेमर्स भी दिखे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और वो मैंने सोच के गिल्ड क्रिएट किया था, वो नाम ऐसा मैंने रखा था कि ताकि मेरे नाम के नीचे मेरा ये दिखे और मुझे अच्छा लगे, तो इस वजह से मैंने गिल्ड भी क्रिएट किया था और मेरे गिल्ड का बंदा रितेश था मेरे भाई। हिमांशु भाई, भाभी की छोटकी बहन से सेटिंग कब कर रहे हो, या फिर हिमांशी भाभी ही पसंद है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। नोटी तो हो तुम लोग भाई, बहुत ज्यादा नोटी हो, मतलब बताओ यार। वो भाई अब देखा जाएगा, अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि उसकी छोटी बहन का आवाज कैसा होगा, वो मेरे से बात कैसे करेगी, वो मेरे से क्रिएटेड कैसे रहेगी। अब वो भाई देखो चैनल पे बने रहोगे तो आपको जरूर पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग टाइप से मैं आप लोगों को प्रेजेंट करके दिखाऊंगा और बहुत मजा आएगा। बाकी बात रहा भाभी का, तो वो बुरी भी नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। सब लोग कुछ ना कुछ पूछेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई लव यू, आप भी बोल दो। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, मैं तो सभी को लाइव स्ट्रीम में भी बोलता हूँ आई लव यू, तो यार मैं आपको क्यों नहीं बोलूंगा, आई लव यू टू यार, आई लव यू टू दिल से। बाकी अगर लड़की हो तो DM करना इंस्टा पे, असली है ये लोंडा भाई, इसको कट कर देना, अब इसको कट कर देना भाई। भाई आपने पिछले क्यूएनए में बोला था कि दिसंबर में वीडियो बनाना छोड़ दोगे, प्लीज नहीं छोड़ना, प्लीज लव फ्रॉम बिहार। भाई ऐसा बोलने का मेरा कारण था यार, मैंने ऐसे ही नहीं बोला, बट उसका कारण कहने का मेरा कारण था और वो चीज मैंने कुछ सोच समझ के ही बोला है। बट अभी टाइम है यार, अभी रुक जाओ यार, अभी 1, 2, 3, 4 महीने मेरे भाई लोग, 4 महीने, आप लोग टेंशन मत लो यार। हिमांशु तब तक तो DJ, हिमांशु तब ना तब, अबे काहे लड़खड़ा जाते हैं।
हिमांशु तब तक कुछ ना कुछ कर लेगा मेरे भाई। ठीक है समझ गया। भाई आप मेरे साथ दारू पियोगे? वैसे भी तुम्हारा पेट निकला हुआ है। मेरा पेट निकला हुआ एक सेकंड देना, मेरा पेट निकला हुआ। कहाँ निकला हुआ भाई? दिखाना। आप दो ना, आप दो ना। रात रात दारू पीने का तुम कुछ और बोल रहा था क्या? आप नू भाई यार तू लोग यार हमको बॉट बोल के बॉट बोल के हमको बॉट तो है नहीं, फिर भी हमको बॉट बना देगा। नहीं हमको बॉट बना, तू लोग यार मतलब भाई एक दोस्त है भाई, तू लोग को डिमोटिवेट करना चाहे तो मोटिवेट कर रहा है, तू लोग को मोटिवेट करना चाहे तो डिमोटिवेट कर रखा है भाई। ऐसा ऐसा अगर लोग रहेगा ना तो भाई इंसान बॉट तो बन गया जाएगा, बॉटो नहीं होगा तो। अरे भाई आज से बालक यहीं पर रखते हैं, मेरे से नहीं होने वाला भाई, मेरे से नहीं होने वाला। हम हाँ ठीक है, हम बॉट है, हाँ ठीक है बॉट है भाई, हम बॉट। अरे भाई यार मुझे खराब कर दिया पूरा। We'll be right back.